हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्वराज बेकिंग रूम। तो कैसे आप सब लोग, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम फिर से आ गए हैं एक बिल्कुल नए डिज़ाइन के साथ और एक बिल्कुल नए फ्लेवर के साथ। और ये है हम लोग का रेड वेलवेट फ्लेवर। पास्ट में हम लोगों ने आपको दिखाया था विथ क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग, और आज हम दिखाएंगे आपको विथ सिंपल व्हिप्ड क्रीम। ठीक है, यू हैव टू आस्क फॉर द क्लाइंट्स प्रेफरेंस कि उनको क्या पसंद है। व्हिप क्रीम चीज़ एंड ऑफकोर्स प्राइस भी उसी तरीके से वेरी करेगा, बिकॉज क्रीम चीज़ काफ़ी महंगा आता है मार्केट में। एंड देन देयर गोज़ इन लॉट ऑफ अनदर, मतलब अदर वर्क। जैसे आप क्रीम चीज़ है तो अगर क्रीम चीज़ तो डायरेक्ट नहीं डाल सकते, उसके साथ अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जाता है, तो उसका भी आपको कॉस्टिंग वगैरह करके आपका प्राइस सेट कर लेना है अच्छे से। तो आज का फ्लेवर सिंपल सा है, सिंपल स्पंज लगाना है, सिंपल स्टेप से सोक करना है, व्हिप क्रीम डाल देना है, और फ्लेवर एनहांसमेंट के लिए थोड़ा सा वाइट चॉकलेट चॉप करके डाल दिया है, ताकि मतलब एक टेस्ट जो है ना वो ज़्यादा रिच आए। ओके, तो अगर आपके बजट में फिट होता है तो आप दीजिए, नहीं है तो आप नहीं देने से भी कोई बात नहीं, मतलब इट्स फाइन। सीरियसली हम लोग डालते हैं क्योंकि वी वॉन्ट आवर क्लाइंट्स एक्सपीरियंस टू बी बेटर, इसीलिए हम थोड़ा बहुत वाइट चॉकलेट डाल देते हैं, वनीला के साथ भी, रेड वेलवेट के साथ भी, जो सिंपल वाला जाता है। तो अच्छे से आपको फिनिश कर लेना है, क्रम कोट कर लेना है, और अच्छे से ध्यान रखिए क्रम कोट करके सेट करने का। प्लीज़ क्रम कोट एंड सेट अच्छे से करने, मतलब करिएगा फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes। तो अभी हमने सेट करके निकाल लिया केक को फ्रिज से, अभी हमको वाइट कलर का जो क्रीम है उसी से करना है। आज का डिज़ाइन बहुत सिंपल है, बहुत एलिगेंट है, लेकिन रोजेट्स डालना है हमको। एक्चुअली दिस पिक्चर हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम आवर फोटोज़ ओनली, हम लोगों ने पास में जो केक्स बनाए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इधर क्रीम का हम लोगों ने फ्लावर्स डाला है, और हम लोग का जो केक था उसमें हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स डाला है। तो अच्छे से फिनिश कर लेंगे। फिनिशिंग का आप ध्यान रखिए कि फिनिशिंग में ना कभी कमी नहीं होना चाहिए। फिनिशिंग अगर आपको 10 मिनट में भी हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आधा घंटा भी लग रहा है ना, तो भी आप आधा घंटा लेके प्लीज़ फिनिशिंग अच्छा ही कीजिए, यू नो। तभी ना आपका एक होता है ना कि क्लाइंट आपको एलिजिबल मानता है, मतलब आपको उस नज़रिया से देखता है कि मतलब दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग, अच्छे से क्लीन कर रहा है, अच्छे से फिनिश कर रहा है। तो ऐसा क्या होता है, तब आपको आगे का भी ऑर्डर्स आने का बहुत चांसेस रहता है, और एक बात कि वो लोग दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे आपका केक शॉप। तो हमको साइड में कैसे पैटर्न लगाना है मैंने अच्छे से दिखा दिया है आपको, उसी तरीके से आपको पैटर्न लगा लेना है पैलेट नाइफ की मदद से। और थोड़ा थोड़ा गोल्ड फ्लेक्स डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल्स डाल दिया है ऊपर और नीचे, और अभी हमको एक पिंक कलर बनाना है। एंड वन टिप, अगर आप कभी भी पिंक कलर बना रहे हो ना, पिंक कलर डाल के आप थोड़ा सा भी होने से रेड कलर ज़रूर डालिए, और मैं सजेस्ट करूँगी कि लिक्विड ही डाल दिए, तभी कलर का इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा। तभी ना एक पिंक का जो है ना वो बहुत सुंदर, मतलब पिंक खिल के आता है। और अभी हम ये रोज़ का नेल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, एंड इफ़ नॉट तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो इस तरीके से एक सीज़र और नेल के मदद से हम इस तरीके से पाइप कर लेंगे, और ये रोज़ पेटल नोज़ल ही बोला जाता है। अगर आपको नंबर नहीं पता कि इसका, इस नोज़ल का नंबर क्या है, तो आप शॉप में जाके रोज़ पेटल नोज़ल बोलने से भी वो लोग निकाल के दे देंगे आपको। तो ऊपर हमको डालना है 3 फ्लावर्स, नीचे हमको डालना है 3 फ्लावर्स, अच्छे से रोज़ बना लेंगे। और मैंने ना देखिए आप केक थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये रोज़ेस के लिए जगह चाहिए हमको। तो उस तरीके से आप अपना केक एडजस्ट कर सकते हो, और पैलेट नाइफ, बड़ा वाला पैलेट नाइफ से ही कीजिएगा अगर ये सब करना है, तो छोटे वाले पैलेट नाइफ से मत कीजिए, तभी आपका केक का ना गिरने का, टूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अभी लिव से हम फिल कर देंगे, बहुत सुंदर लग रहा है देखिए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। वीडियो देख के आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फिर मिलेंगे एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टूडल्स।